तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी अपनी टाटा नैनो में आ रखा हूँ। अभी ना यार मैं इसे लेके बाहर जा रहा था तो जैसे ही घर से निकला थोड़ी दूर गया तो ये खराब होने लग गई, मतलब ना बार बार बंद होने लग गई, चली नहीं रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, जिसकी वजह से मैं इसको वापस फिर घर लेके आ गया। मैंने सोचा फालतू में दूर जाऊंगा और वहां पे बंद हो गई तो घर भी नहीं आ पाएगी। जो ये सारी दिक्कत है ना, ये घर से ये लगा लो 20-30 मीटर दूर पे ही आने लग गई थी जैसे मैंने सुबह निकाली। लेकिन जब मैंने परसों चलाई थी, परसों तो मैं इसे इतने दूर लेके गया था इतने जाम में, तब इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब इसमें दिक्कत आ रही है और इसमें वही वाली दिक्कत आ रही है जो पहले आ रही थी, बंद हो रही है बार बार गट 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 करके, वाइब्रेट करके। फिर मैं फटाफट इसे घर लेके आया और अब देखो अभी तक इसमें वो जल रखी थी चेक लाइट वार्निंग, लेकिन अब वो बंद हो गई है इंजन चेक लाइट की लाइट। ये देखो यहाँ पे जल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी वो जल जाती है कभी बंद हो जाती है, कभी गाड़ी ठीक हो जा रही है कभी खराब हो जा रही है। वही है इसमें वायरिंग की कुछ दिक्कत है, कोई तार हिल जा रही है, कभी लग जा रही है, कभी हिल जा रही है, कभी लग जा रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो वायरिंग चेक करानी पड़ेगी यार इसकी। अब देखता हूँ कुछ दिनों में कराऊंगा, 1-2 दिन में, अब तब तक तो इसे चलाने नहीं वाला मैं जब तक ये घर पे ही खड़ी रहेगी। अब इसे तभी चलाऊंगा जब ठीक कराने ले जाऊंगा, तब तक अब ये घर पे ही रेस्ट करेगी। देखो अभी इंजन चेक लाइट है ही नहीं, एक बार बंद करके ऑन करूं, हो सकता है तब आ जाए। ये देखो हट गई अभी, पता नहीं क्या हो रहा है, पर सही है घर के पास ही हो गया ये सब, अगर दूर होता तो दिक्कत हो जाती फिर घर लाने में। आज तो ये थोड़ी भी नहीं चल रही थी, थोड़ी सी चल रही 5-10 मीटर फिर बंद हो जा रही, फिर थोड़ी चल रही फिर बंद हो जा रही, फिर थोड़ी चल रही फिर बंद हो जा रही, और एसी बंद करके भी ऐसी हो रहा। तो चलो इसे कर देते हैं बंद और चलते हैं घर, एसी को भी बंद कर देते हैं और लाइट्स भी बंद कर देते हैं और ये भी निकाल देते हैं इसका ब्लूटूथ डिवाइस। अच्छा खासा बाहर जा रहा था घूमने के लिए, संडे था आज, अब देखते हैं बाइक लेके जाऊंगा या स्कूटी लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेके तो जाऊंगा ही, पर इसे नहीं लेके जाऊंगा। अब इसे उसी दिन ले जाऊंगा बाहर, उस दिन इसका अच्छे से काम करा दूंगा, सारी वायरिंग चेक करा दूंगा। वायरिंग में ही दिक्कत है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आती रहती है यार इसमें, एक तो मैकेनिक भी ऐसी है ना, घर के आसपास उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाता, पता नहीं किसने बना दिया मैकेनिक। मेरे को कोई ऐसा मैकेनिक चाहिए जिसको गाड़ी देखते ही पता चल जाए इसमें दिक्कत क्या है। मेन दिक्कत तो यही आ रही है, मैं कितने दिन ले गया ये लगा लो 7-8 बार तो मैं लेके चला गया हूँ मैकेनिकों पे, पर किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता। कोई बोलता है ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी सही चल रही है ऐसी चलाओ, ये करो वो करो, कोई कुछ चेंज कर देता है, कोई कुछ चेंज कर देता है, लेकिन जो एक्चुअल दिक्कत है वो आज तक किसी को पता ही नहीं चल रही है। तो ये दिक्कत हो रही है मेरे साथ। अगर कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए ना जिसको देखते ही सारी चीजें पता चल जाए इसमें दिक्कत क्या है, तब तो ठीक भी है, और ऊपर से इतना टाइम भी नहीं रहता कि रोज रोज मैकेनिक के पास जाता रहूं। अब तो वैसे मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन पहले कितनी गर्मी हो रही थी, 50 डिग्री तक पहुंच जा रहा था, तो इतनी गर्मी में कोई कैसे लेके जाएगा गाड़ी को। और उतनी गर्मी में भी मैं 7-8 बार लेके गया हूं, एक बार तो मैं सुबह से लेके दोपहर तक खड़ा रहा वहां ही दुकान पे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चेंज कर दिया इसमें, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ठीक ही नहीं हुई, वैसी की वैसी रही। उस दिन ये लगा लो मैं सुबह 6:30-7 बजे निकला था घर से और दोपहर में 3:30 बजे आया था घर पे, और इतनी देर तक मैं खड़ा ही रहा मैकेनिक की दुकान पे, बैठा भी नहीं, और इतनी धूप में 45-50 डिग्री सेल्सियस था उस दिन टेम्परेचर। तो इसीलिए अब देखता हूँ कोई दूसरा मैकेनिक ढूंढूंगा, या तो पहले स्कूटी में जाके फिर लेके जाऊंगा गाड़ी, या तो फिर देखते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाइक स्कूटी का तो पता है मेरे को बढ़िया मैकेनिक, लेकिन कार का नहीं पता, इसलिए दिक्कत हो रही है। कार का भी पता चल जाए ना तब मजा आ जाएगा, पर चलो देखते हैं अब, अभी तो स्कूटी या बाइक लेके चलते हैं बाहर। तो अब निकल चुका हूँ बाइक लेके मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए। आज स्कूटी चलाने का ना मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा बाइक ही लेके चलते हैं। और अभी के टाइम मौसम देख लो कैसा हो रहा है, वैसे आज की बारिश दिखा रखी है, बाकी देखते हैं अब होती है या नहीं होती। तो अब पहुँच गया हूँ कुछ इस तरह के रास्ते पे, यहाँ से अब थोड़ा ही दूर बचा है पार्क, तो चलते हैं फटाफट। कैमरा कैसे हिलता रहता है बाइक पे, पर मेरे ख्याल से वैसे तो आईफोन की स्टेबलाइजेशन अच्छी है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अभी ना आपको घर जाके भी दिखाऊंगा नैनो की हालत, देखना घर जाके मैं ऑन करूंगा ना तो इंजन चेक लाइट दोबारा जल जाएगी उसकी, तो यही हो रहा है उसमें बार बार, बाकी देखते हैं, हो सकता है ना भी जले और हो सकता है जल भी जाए, क्योंकि ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि थोड़ी देर बाद जल रही है, कभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, कभी अगले दिन जलती है, एक पूरे दिन सही रहती है गाड़ी। तो जिसकी वजह से ही मेरे को लग रहा है कि वायरिंग में ही दिक्कत है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई नहीं, अभी तो फिलहाल चलते हैं पार्क में। तो अब देखो मेरे सामने कैसा रास्ता आ गया, अब यहाँ से तो बाइक मुश्किल ही जा पाएगी, फंस सकती है,
कोने कोने से ले जाना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ से भी ले जा लूँगा, पर वही है यार, जूते गंदे हो जाएंगे फालतू में, फिर सही नहीं लगता है ऐसे जूतों के साथ जाना। अभी सामने से एक गाड़ी आ रही है, इसे आने देते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ कोने से। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. तो फाइनली पार्क में पहुंच गया हूँ वॉक करने के लिए। अब यहाँ पे करते हैं, ये देखो कितने सारे कबूतर है खाना खा रहे हैं। सुबह के टाइम यार मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, ये देख रहे हो क्या मज़ा आ रहा है वॉक करने में। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है अलग अलग टाइप्स की, और ऐसे हरे भरे पेड़ चारों तरफ ये देखो, और ऐसा कच्चा रास्ता, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना खाना भी डालते हैं चिड़ियाओं के लिए, मोर के लिए, तो इसीलिए चारों तरफ वो भी दिखते रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूर में। देखो यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी चिड़िया है, और मोर की भी आवाज़ आती रहती है, कोयल की, कौवे की, हर चीज़ की। तो फाइनली वॉक कंप्लीट हो चुकी है अपनी, अब निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। ये देख लो ये खड़ी अपनी बाइक HF डिलक्स हीरो की, और ये सर्विस रोड है यहाँ का, ये मेन रोड है, इसे बोलते हैं मेहरोली बदरपुर रोड, MB रोड। इस वाले रोड पे तो यार बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है सर्विस रोड पे, पहले के टाइम पे एकदम प्लेन हुआ करती थी, लेकिन अब ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है कई सालों से कम 3-4 साल हो गए तब से ऐसी है इस रोड की हालत। अभी मैंने दिखाया था ना जाते टाइम, वहाँ पे दलदल भी बन रखा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा कंस्ट्रक्शन और कब दोबारा से हमें एकदम प्लेन रोड मिलेगी। पर फिलहाल तो घर चलते हैं, इसी पार्क में गया था मैं, अब अपनी बाइक को लेके चलते हैं इधर से घर। ये देख लो बस, क्या बढ़िया लगती है ना बस चलती हुई, एक बस खरीदनी पड़ेगी, ये वाली बस ज़्यादा बढ़िया लगती है। देख रहे हो दिल्ली की बस कितनी बड़ी होती है, ये तो बिना एसी वाली थी, एसी वाली और ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो चलो चलते हैं अब घर, घर जाने का टाइम आ चुका है, और घर जाके देखते हैं नैनो की हालत क्या है, इंजन चेक लाइट गई या फिर अभी तक है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं घर, और अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपनी टाटा नैनो को। ये हो चुका है इग्निशन ऑन, देखो अभी नहीं आ रही इंजन लाइट, पर अब गर्मी होने लग गई, सामने से सूरज उग रहा है ना इसलिए। चलो यार फिर तो कवर ओवर चढ़ा के अब रख देता हूँ, अभी तो जल नहीं रही है लाइट, अब जब जलेगी जब ही दिखाऊंगा आपको। तो अभी तो यार 2-3 बार और मैंने बंद करके ऑन कर दिए, लेकिन अभी इंजन चेक लाइट नहीं जल रही है, बंद ही हो गई वो तो। अब देखते हैं कुछ टाइम बाद जलेगी, या तो फिर हो सकता है कल जले परसों जले, कभी ना कभी तो जलेगी। लेकिन अब मैं इस गाड़ी को बाहर नहीं निकालूंगा, ये गाड़ी अब तभी बाहर निकलेगी जब ठीक होने जाएगी, उसके अलावा बाहर नहीं निकलेगी। और ठीक कराने हो सकता है परसों चला जाऊं, उसके अगले दिन चला जाऊं, कल तो नहीं जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कभी भी जा सकता हूं। और इस बार ना इसका इंजन का सारा काम करवा के ही लाऊंगा इसे वापस घर, इंजन वाइज सारी चीजें एकदम ठीक करा दूंगा जो जो हो सकता है, बाकी उसके अलावा बॉडी वॉडी का काम तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो इंजन का काम है वो मैं करा दूंगा इसका इसी हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते तक। Surround yourself with open minds.